जब तक सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटा नहीं देते हैं तब तक इसे पहने रहेंगे। ये पगड़ी नहीं कफन है जो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए बांधा है। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो सम्राट चौधरी ने सिर पर भगवा गमछे की पगड़ी बांधी। सम्राट चौधरी ने माथे पर पगड़ी बांधा और तरक्की करते चले गए। कई नेताओं को रेस में पछाड़ते गए। सम्राट चौधरी को जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी। बीजेपी में सम्राट चौधरी की तरक्की से कई नेताओं को रश्क भी होने लगी, मगर भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी की तरक्की होती गई। जब नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में पलटी मारी तो पार्टी ने सम्राट को डिप्टी सीएम के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब एक बार फिर बात पगड़ी पर आ गई। फिर भी 6 महीने तक सम्राट ने पगड़ी को बांधे रखा। सियासी करियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार 22 दिन पहले सम्राट चौधरी ने अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि पार्टी ने अचानक से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सम्राट चौधरी अब सिर्फ डिप्टी सीएम रह गए। बिहार के सियासी गलियारे में सम्राट चौधरी के पगड़ी के पीछे एक ज्योतिषी की चर्चा होती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। लोग बताते हैं कि सम्राट चौधरी को पटना के ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि अगर आप अपने माथे को ढककर रखेंगे तो आपके जीवन में तरक्की आएगी। कहा जाता है कि इस ज्योतिषी की सलाह मानते हुए सम्राट चौधरी ने अपने माथे पर पगड़ी बांध ली। सम्राट चौधरी बीजेपी में है तो उन्होंने भगवा रंग के गमछे को पसंद किया। इत्तेफाक की बात हो सकती है कि जब सम्राट चौधरी को ज्योतिषी की सलाह मिली थी तो उनकी मां का निधन हुआ था। उन्होंने मुंडन भी कराया था। उसी वक्त नीतीश कुमार ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी। तब बीजेपी नेता नीतीश के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे थे। उसी वक्त सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के कुर्सी से हटने तक की कसम खाकर माथे पर पगड़ी बांध ली। इस पगड़ी का असर भी दिखा। कुछ ही दिनों बाद सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। नीतीश कुमार जब एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी के साथ आए तो डिप्टी सीएम बन गए। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद जब पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से पगड़ी खोलने को सवाल किया तो उन्होंने पगड़ी बांधने और खोलने की बात तो बताई, मगर ज्योतिषी वाली बात कैसे बताते। सत्ता वापसी के 6 महीने बाद तक सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करते रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। नीतीश कुमार की वैल्यू अचानक बीजेपी के लिए बढ़ गई। तब सम्राट चौधरी को बयान देना पड़ा कि 2025 विधानसभा चुनाव भी बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। इससे पहले बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी में सीएम फेस देखा करते थे। लोकसभा चुनाव बाद सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी खोलने की तारीख बता दी। 3 जुलाई को अयोध्या जाकर सम्राट ने यमुना नदी में पगड़ी को प्रवाहित कर दिया। रामलला का दर्शन कर पटना लौट आए। पगड़ी खोलने का साइड इफेक्ट 22वें दिन ही दिख गया। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छिन गई।